नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद बीजेपी कार्यालय को घेरने के लिए हजरतगंज की ओर कूच कर दिया। ऐसे मौके पर मौजूद पुलिस बल ने सभी आप कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके आगे जाने से रोक दिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से मेघालय से अगवा अखिलेश सिंह के परिवार की खुशियां लौट आई। लखनऊ निवासी मैकेनिक और सुपरवाइजर अखिलेश सिंह चौहान को सकुशल बरामद कर लिया गया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की बरामदगी के लेकर गुरुवार शाम को मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाल्ड संगमा से बात की थी। इसी को लेकर अखिलेश सिंह की पत्नी शीला सिंह चौहान और उनके बेटे सूरज चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इलेक्ट्रॉलिक बॉन्ड पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉलिक बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा दी है। उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है, महंगाई कम हो गई है, नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया गया, क्या यूपी में लोग सुरक्षित है। ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। इसी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया, इसीलिए घबराहट में इस तरह का खबर बदल जाए, न्यूज बदल जाए, दूसरी चीजों पे ज्यादा चर्चा हो। और सवाल तो मैंने आपसे कहा बुनियादी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई जी, क्या महंगाई कम हो गई, क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया जी, क्या आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं, कहां घटना नहीं हो रही, क्या आप सोच सकते हैं कस्टोडियल डेथ हो रही हो, जो लोग विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हो, विकसित भारत को बनाने का संकल्प लेते हो, वहाँ कस्टोडियल डेथ में वो प्रदेश नंबर वन हो। बदायूं कांड पे क्या कह रहे हैं, ये जितने भी कांड हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद सोचिए, 3 घंटे में एनकाउंटर कर दिए, आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसका मतलब ये सरकार इंतजार करती है घटना होने का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर आजम खान का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये लोग ताकत बनकर उभरेंगे। पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए से घबराई हुई है सरकार, लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि इस आदेश के बाद मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा अमान्य होगी। दरअसल मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि मदरसों की जाँच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 को एसटीआई टीम का गठन किया था। और बदायूं मामले को लेकर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई खुलासे करते हुए कहा कि अभी भी पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जावेद ने पूछताछ में बताया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन वो जावेद के साथ था और दोनों मिलकर भाग गए थे। उसी दिन वो चाकू खरीद कर लाया था जिससे उसने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी जावेद ने पुलिस को बताया कि साजिद बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, इसका इलाज परिवार वालों ने कराया और जिस दिन वारदात को अंजाम दिया उस दिन वो सुबह से ही परेशान था। फिलहाल अभी इस मामले में कई ऐसे सवाल है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। दोनों साथ गए थे, जावेद का कहना है, लेकिन हमारे पास अभी मुंजिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था, आसपास के जो कुछ लोग हैं जिससे पूछताछ हुई उनका भी कहना है कि जावेद वहाँ दिखाई पड़ा।
मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था और उसकी नेचर का था, वायलेंट था। और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, क्योंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बचा नहीं पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में खराब हो गए, ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से परेशान भी रहता था। और बदायूं की थाना सिविल लाइन पुलिस में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में आरोपी जावेद का मेडिकल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सुंदरनगर बाबा कॉलोनी में मंगलवार को आयुष और आहान 2 सगे भाइयों की उनके ही घर में हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया और गुरुवार को जावेद को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया है। और बहराइच में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, जहां लाइसेंसी असलों को जमा करने का काम किया जा रहा है। वही SP वृंदा शुक्ला ने बताया कि अब तक जिले के 1046 लाइसेंसी असले थाने में जमा कराए जा चुके हैं और जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्र धारकों के लाइसेंसी हथियार जमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में इलेक्शन सकुशल सम्पन्न हो। और अभी आचार संहिता लागू हुए 5 ही दिन हुए हैं, इतने ही दिन में थानों ने 1000 से अधिक वेपन्स, एग्जैक्ट नंबर 1046 है, 1046 जो असलहे हैं वो थानों में जमा हो रहे हैं। त्योहार आते ही लोग अपने परिवार के साथ पहुंचने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, ऐसे में शहर से दूर रहकर अपने शहर बसने वाले लोगों को बसों रेल का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में त्योहार के चलते जहां रेलों में काफी लंबी वेटिंग लिस्ट लोगों को परेशान करती है, वहीं बसों की संख्या में कमी होने के कारण लोग इंतजार करते हैं और समय से अपने घर नहीं पहुँच पाते। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने लोगों की समस्या का हल निकाल दिया है, लोगों को होली के त्योहार पर सुनहरा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 180 बसों को सड़कों पर उतारा है, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो और त्योहारों पर अपने परिवार के साथ समय बिता सके। नमस्कार, मैं हूं जोई श्रीवास्तव और TNP न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि होली का त्योहार करीब आ चुका है और रमजान भी चल रहा है, ऐसे में परिवहन निगम ने कई गाड़ियां सड़कों पर उतारी है। जहां शहरों में 1 गाड़ी या 2 गाड़ियां चला करती थी, वहीं अब जो है 1 से ज्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारी NP सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, त्योहार में क्या नया प्लान लेकर आए हैं? त्योहार में हमारा ये प्लान है कि हम 24 घंटे यात्रियों को सुगम और आसान जो सस्ती सुविधा दे सके परिवहन सुविधा, वो हम इसको देंगे। इसी के लिए हमने सभी मार्गों पर एक्स्ट्रा ट्रिप चलाए हैं और प्लान हमने बनाया कि 100% हमारी गाड़ियां जो बस बेड़ा है वो सड़क पर रहे, कोई भी गाड़ी कार्यशाला मेंटेनेंस में एडवांस में हमने करा दिया है, कार्यशाला में खड़ी नहीं रहेगी। सर, सबसे ज्यादा इस समय जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो या तो अयोध्या या लखनऊ की तरफ कर रहे हैं, तो इस तरफ इस रूट पर आपने कितनी संख्या में गाड़ियां बढ़ाई हैं? लखनऊ अयोध्या के लिए हमारी यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर 10 गाड़ियां हमने लखनऊ के लिए लगाई है और 4 गाड़ियां हमने अयोध्या धाम के लिए लगाई है, जो हमारी 2 चलती थी। अगर हम इसमें यात्री इससे अधिक मिलता है तो हम गाड़ियों की संख्या बढ़ा देंगे। क्या त्योहार के चलते आपने किराए में भी कुछ डिस्काउंट का ऑफर लेकर आए हैं? नहीं, किराए में कोई डिस्काउंट या वृद्धि नहीं है, वो सामान्य किराया है, जो किराया पूर्व में रहता है वही किराया लिया जाएगा। क्या कुछ नई गाड़ियां या नई बसें भी सड़कों पर उतारने का प्लान है आपका? नई गाड़ियां मिलने के उपरांत जो है जरूर उतारेंगे, सड़क पर चलाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो बस बेड़ा 180 गाड़ियों का है उन्हीं को 100% हम सड़क पर एक्स्ट्रा ट्रिप के साथ उतारेंगे। जो संख्या आपने बसों की बढ़ाई है, ये सुविधा जनता को कब तक मिलेगी? ये अभी प्लान के अनुसार तो अभी हमारा जो पूर्ण प्लान है वो 1 अप्रैल तक है, लेकिन इसके बाद भी अगर हमें यात्रियों की उपलब्धता मिलती रहेगी तो हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। होली के लिए कुछ कहना चाहेंगे? होली के लिए सभी को, हमारे यात्री खास तौर से, मीडिया बंधु और सभी हमारा जो परिवहन परिवार है, उन सबके लिए होली मुबारक, हैप्पी होली, सब खुश रहें, मस्त रहें और सुरक्षित यात्रा करें। हमने परिवहन निगम अधिकारी NP सिंह जी से बात की और आपको बता दें कि जैसा कि हमें जानकारी ये मिली थी कि खाली 25 बसें बढ़ाई गई हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, 180 बसें पूरी की पूरी सड़कों पर उतारी गई हैं, ताकि जो यात्री हैं वो सुलभ यात्रा कर सकें और आराम से एक शहर से दूसरे शहर जा सकें। और ये जो सुविधा दी गई है जनता को, वो 1 अप्रैल तक के लिए दी गई है। त्योहारों के चलते परिवहन निगम ने ये सुविधा जनता को उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी आगे इनके बहुत सारे प्लान हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर हम साफ सफाई की बात करें तो
किस तरह से बस अड्डे को बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है। बसों को अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बसें भी चमकती हुई आपको नजर आएंगी। और एनपी सिंह से जब हमने पूछा कि आगे क्या नई बसों को लाने का भी प्लान है, तो उन्होंने बोला कि अगर सरकार हमें इसकी सुविधा देगी तो हम हो सकता है कि नई बसें भी जल्द ही सड़कों पर उतारें। बाकी बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर्सन के साथ, मैं जूही श्रीवास्तव, टीएनपी न्यूज। और होली को मनाने के लिए सभी लोगों में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े, सभी में उत्साह दिखाई देता है। और होली को लेकर बाजारों में भी रौनक लगनी शुरू हो गई है। मेरठ के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार मार्केट में होली को लेकर गुलाल, पिचकारी, स्प्रे कलर, इलेक्ट्रिक वाटर गन की क्या क्या वैरायटी आई है। साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि इस बार 2024 की होली में बाजारों में कितना चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। नया तो इस बार तो ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया चीज आई है। इस बार इलेक्शन का जोर चल रहा है तो मोदी के लोग दीवाने हैं। इस टाइम होली ऐसे खेलेंगे, इस बार लोग मजा मान देंगे, क्योंकि योगी और मोदी दोनों मिलके उन्हें मचा देंगे इस बार। चुनावी रंग इस बार होली में दिखेगा जी। हाँ, चुनावी रंग दिखेगा, मजा आएगा इस बार। जो भी टी शर्ट वगैरह बहुत है, बहुत नए नए मास्क, मोदी के मास्क आए हुए हैं, बहुत डिमांड में इस बार, बहुत बढ़िया डिमांड। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।